हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज सेंटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेजर क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद राइस। हम जो है एक एक क्रॉप की अलग अलग ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस को सेपरेटली देख के डिस्कस करेंगे। सो राइस से शुरू करते हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो राइस रिक्वायर्स अ रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर, यानी कि बारिश बहुत अच्छी चाहिए, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एरियाज जहाँ पर राइस का कल्टिवेशन होता है दे आर द प्लेन एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है हमारे इंडिया का, वहाँ पर बेसिकली राइस का कल्टिवेशन होता है। और अगर सीजन वाइज हम देखें तो जो हमारा खरीफ सीजन होता है उसके अंदर राइस का कल्टिवेशन होता है। और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, सबसे बड़ा जो मेजर प्रोड्यूसर राइस का है दैट इज वेस्ट बंगाल। नाउ टॉकिंग अबाउट वीट, रेनफॉल की अगर हम बात करें तो राइस से कम रेनफॉल आपको वीट के लिए चाहिए, 50-75 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो है दैट शुड बी 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ द एरिया, कौन कौन से हमारे इंडिया के रीजन्स हैं जहाँ पर वीट का कल्टिवेशन होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट। राइस में क्या था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स, एंड वेस्ट में वीट में जस्ट ऑपोजिट है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। और अगर क्रॉपिंग सीजन वाइज हम देखते हैं तो वीट इज ग्रोन इन द रबी सीजन, और जो मेजर प्रोड्यूसर्स है अमंग ऑल द स्टेट्स जो मेजर प्रोड्यूसर है वीट का दैट इज पंजाब। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिलेट्स, मिलेट्स क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं जो अपनी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए जाने जाते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, रफेज, और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इन द मिलेट्स। तो इसके अंदर बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम पढ़ेंगे, ज्वार, बाजरा एंड राई। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ज्वार। ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, यानी कि ऐसे एरियाज में उगता है जहाँ पर बारिश अच्छी होती है और एनवायरनमेंट के अंदर जो है नमी भी अच्छी खासी रहती है। स्टेट वाइज अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ज्वार। नेक्स्ट इज बाजरा। बाजरा के लिए जो टाइप ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट हमें है दैट इज सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। और अगर स्टेट्स हम देखें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ इन सभी स्टेट्स में जो है बाजरा का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है। नाउ द थर्ड क्रॉप इज रागी। रागी भी जो है ड्राई रीजन्स में प्रोडक्शन उसका किया जाता है इन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी टाइप्स ऑफ सॉइल। और अगर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर रागी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ द फोर्थ क्रॉप दैट इज मेज। मेज या मक्का एक ऐसा क्रॉप है जिसको कि एज अ फूड भी काम में लिया जाता है और एज अ फोडर भी। फोडर मीन्स एनिमल्स को आप फीड करने के लिए, कैटल एनिमल्स को फीड करने के लिए आप उसे यूज में लेते हो, और मेज जो है खरीफ सीजन के अंदर कल्टिवेट किया जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट हमें है दैट इज 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, एंड द टाइप ऑफ सॉइल इज एलुवियल सॉइल। और हमारे इंडिया में क्या है कि मेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कई सारे जो है मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों को यूज में करके मेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है नाउडेज इन आवर नेशन। नाउ स्टेट्स की अगर हम बात करें, हाँ हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि मेज जो है खरीफ सीजन वाला क्रॉप है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर रबी सीजन के अंदर भी जो है मेज का कल्टिवेशन किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम बिहार अदर स्टेट्स जहाँ पर मेज का कल्टिवेशन होता है दोज आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ पल्सेस। पल्सेस की अगर हम बात करें जो कि हमारी दालें होती हैं कई वैरायटी में, उड़द, मूंग, अरहर, तो इंडिया जो है इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज द कंज्यूमर। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। नाउ और पल्सेस बेसिकली जो है मेजर सोर्स होती है प्रोटीन का, मीन्स हमारी पूरी डाइट में से मैक्सिमम प्रोटीन जो हमें मिलता है वेजिटेरियन डाइट में, मैक्सिमम प्रोटीन जो हमें मिलता है दैट इज थ्रू दीज पल्सेस ओनली। तो पल्सेस जो है वो ऐसे एरिया में ग्रो करती है जहाँ पर कम मॉइस्चर हो, क्योंकि ये ड्राई रीजन्स में भी सर्वाइव कर जाती है। पल्सेस का जो क्रॉप होता है वो ड्राई रीजन्स के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है, मॉइस्चर कंटेंट भी इनको कम रिक्वायरमेंट होता है, एंड दे हेल्प इन रीस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स की कैटेगरी में आता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन से होते हैं, वो क्रॉप्स जो एटमोस्फियर से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं, इसलिए
क्रॉप्स की रोटेशन करते हैं। एक बहुत समय तक हमने वीट उगा लिया, अब थोड़े टाइम के लिए हम कोई क्रॉप को चेंज करेंगे ताकि फर्टिलिटी जो है वो दोबारा से रीगेन हो सके। तो ये जो क्रॉप्स का रोटेशन है इसमें बेसिकली हम पल्सेस को इंक्लूड करते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नेचुरली जो है फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन की जा सके। इसलिए रोटेशन के प्रोसेस में पल्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड द स्टेट्स वेयर पल्सेस आर ग्रोन आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। So this was all about the major crops which are grown in our nation.